मंडला जिले से गुजर कर जाने वाला रायपुर जबलपुर हाईवे अब हादसों की सड़क बन गई है, जिस पर आए दिन हादसे होना अब आम बात हो गई है। लगातार हो रहे हादसों को लेकर कांग्रेस ने शासन प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगाया है। रायपुर से जबलपुर रोड NH अंजनिया पुलिस चौकी क्षेत्र के नेशनल हाईवे 30 पर आए दिन दुर्घटनाओं से लोगों में काफी रोष है। काफी दिनों से यहां पर ओवर ब्रिज की मांग की जा रही है, पर शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। वहीं कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राम भजन पटेल ने शासन प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगाया, जिसका खामियाजा वाहन चालक सहित क्षेत्र के जनता भुगतने को मजबूर है। मैं राम भजन पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अंजनिया। यहाँ देखा जा रहा है, मैं अभी नेशनल हाईवे पर खड़ा हूँ, अहमदपुर और मान चौराहे पे। यहाँ प्रतिदिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। कल आज सुबह ही एक ट्रक यहाँ घुस गया और वहाँ मरते मरते बचा ड्राइवर, दूसरा कल घुस गया था। और ये सब जो एक्सीडेंट हो रहे हैं लगातार यहाँ रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं। और ये एक्सीडेंट होने का मात्र कारण यह है कि यहाँ एक तो फ्लाईओवर नहीं बनाया गया, जबकि यहाँ फ्लाईओवर बनना था, वो निश्चित था फ्लाईओवर बनने का, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा उनकी तानाशाही की वजह से यहाँ फ्लाईओवर नहीं बनाया गया। और जो ब्रेकर जो बने हैं, ये ब्रेकर भी गलत तरीके से बने हैं। ये ब्रेकर ऊपर से लगातार बनना चाहिए था, और जिसके कारण ये ब्रेकर मात्र यहाँ बनाया गया है। ओवर जो ट्रक आते हैं वो अपना बैलेंस नहीं संभाल पाते और हाई स्पीड में ट्रक रहते हैं और ब्रेक फेल होते हैं और यहाँ एक्सीडेंट हुआ करते हैं, और आए दिन जान जा रही है। मैं शासन से यही मांग करना चाहूँगा कि यहाँ फ्लाई ओवर बनाया जाए। शासन प्रशासन से यहाँ मांग करना चाहूँगा, यहाँ फ्लाई ओवर बनाया जाए और जो ब्रेकर हैं वो ब्रेकर को विधिवत तरीके से बनाया जाए। ये जान जा रही है, इसके लिए पूरी तरह शासन और प्रशासन जिम्मेदार हैं। से अगर ब्रेकर बनते आएंगे तो स्पीड स्वाभाविक कम हो जाएगी, और जब स्पीड कम हो जाएगी तो ये एक्सीडेंट यहाँ होना बंद हो जाएगा, और जो रोज़ जान जा रही है जान यहाँ नहीं जा पाएंगी। ठीक है, यहाँ प्रायः प्रतिदिन मान और अहमदपुर साइड से लगभग 30 गांव के जो स्कूली बच्चे हैं वो यहाँ पढ़ने आते हैं, KG1 से लेकर कॉलेज तक के बच्चे यहाँ आते हैं। और देखा ये जा रहा है कि ऐसी स्थिति होने के कारण यहाँ आने वाले समय में कोई बड़ी घटना घट सकती है, इसकी संभावना को कोई टाल नहीं सकता है। अतः ये हादसे जो हो रहे हैं इसके लिए कौन जवाबदार होगा? शासन ही जवाबदार है ना। शासन के द्वारा फ्लाई ओवर नहीं बनाया गया, जबकि फ्लाई ओवर बनना था। यहाँ गौ माता की हत्या हो गई, रोज ट्रक का एक्सीडेंट हो रहा है, रोज बसों का एक्सीडेंट हो रहा है। यहाँ तत्काल ही फ्लाई ओवर बनाया जाए, और ये जो ब्रेकर बनाए गए हैं ऊपर से घाट के ऊपर से क्रम से बनाया जाए, ताकि यहाँ की स्पीड कम हो वाहनों की और जो एक्सीडेंट हो रहा है इनसे। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।